मेरी तो सांस चढ़ रही है बताते बताते भाई। सो अगर कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा जी, तो आज मैं आ गया हूँ ऋषिकेश के पास भानियावाला जॉली ग्रांड एयरपोर्ट की तरफ, और मैं जा रहा हूँ मनीषा देवी मंदिर, माँ मनीषा देवी मंदिर, जो कि रास्ता पड़ता है इधर से। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है, अगर आप बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे तो ये जा रही है ऋषिकेश सात मोड़ से होते हुए, और उसी के अपोजिट अगर देखेंगे तो ये रास्ता जा रहा है देहरादून जॉली ग्रांड। मतलब यहाँ से कम 2 या 3 किलोमीटर पे है जॉली ग्रांड एयरपोर्ट, और ये रास्ता जा रहा है ऋषिकेश के लिए। और यहाँ पे मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे है टी पॉइंट, और ये यहाँ से जो रोड जा रही है ये जा रही है नरेंद्र नगर की तरफ, और वहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी और तुषार और दीक्षा और हमारा बेबी वहीं पर ही है। और यहाँ से सिर्फ दिखा रहा है, इसे मिटा हुआ है, यहाँ से सिर्फ दिखा रहा है 1 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं और वहाँ चल के पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ से बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही पहाड़ी एरिया स्टार्ट है, जब पूरा ये एग्जैक्ट 1 किलोमीटर है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। धूप बिल्कुल खतरनाक वाली आ रही है ना भाई। Eventually. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनीषा देवी के मंदिर पे, और चढ़ाई यहाँ से चालू है। तो इसी बात को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे, और मेरे साथ है आज तो छोटा बेबी दीक्षा भी है जो मुँह छुपा रही है, और पीछे हमारा भाई तुषार है। रास्ते की चढ़ाई स्टार्ट होती है यहाँ से, ये लिखा हुआ है मनीषा देवी माता का मंदिर, और ये रहा एंट्रेंस गेट। सो इसी बात पे जय माता की। ये तो बड़ी जल्दी ऊपर पहुँच गए। मनीषा देवी मंदिर, हाँ मनीषा देवी मंदिर का मतलब मन की इच्छा, तो उसी के नाम पे मंदिर पड़ा हुआ है। मेरी तो सांस चढ़ रही है बताते बताते भाई। वैसे सुनने में आया कि यहाँ के जो गुरु जी है ना, सुरेंद्र जी नाम है उनका, उनके गुरु के गुरु, तो वो देखते थे इस मंदिर को। तो यहाँ जो हाँ भगवती है तो उनका यहाँ वरदान है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मन की इच्छाएँ हमारी पूरी होती हैं। फिलहाल के लिए तो मुझे इतना ही पता है, बाकी मंदिर आ चुका है आप लोग देख सकते हो।
तो अभी पंडित जी से बात हुई है, पंडित जी कह रहे हैं यहीं पे ही है, ऊपर की साइड तो गुफा है, वहाँ बाद में आएंगे। पहले अपने शूज़ तो उतार लो यहीं पे, शूज़ वगैरह सब यहीं उतरेंगे, तो पहले शूज़ उतारते हैं। मंदिर कितने सालों से? 500 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, ये पानी में लो, ये वैसे वो माने जाते हैं ना माँ भगवती जी, जैसे मैंने सुना था ये भी एक रूप है। हाँ जी, माँ भगवती जी का रूप है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, और चले। यहाँ पे क्या? अच्छा, तो वो है जैसे आपने अपनी इच्छाएं जो होती हैं वो प्रे करके इस पर बांधो और ऐसे घूम जाओ। तुषार कुछ मांग ले, कोई लड़की लड़की मिल जाए, बढ़िया सी शादी शुदी हो जाए। इसकी क्या जरूरत? लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। आओ चलते हैं। बाकी यहाँ पे ये सब भी है, ये सारे मंदिर अलग अलग भगवान जी के। श्री साई मंदिर जय, और ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा सारा जंगल है, वहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब उंगली तो कर ही नहीं सकते, पूरा यूँ ही करना पड़ेगा, पूरा कवर। ये इन्होंने यहाँ से ढक रखा है, इसी शायद से बंदरों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी बता रहे थे कि यहाँ पे सारे बंदर बंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इनको गेट भी अपना थोड़ा सा बंद करके रखना पड़ता है। ये देखो हमारे लड्डू, और ये हमारे लड्डू, ये सही है, इसका मजा आ रहा है जब से मैं आया हूँ। चले यहाँ पे भी सब मारे तुझे पहले ऐसा बस की आवाज ऐसे आ रही है जैसे कुछ ऊपर बाइक जा रही हो। ये मेरा टीका सारा यहाँ से निकल रहा है, दूसरी बार लगवा लिया स्वेटिंग की वजह से। बाकी यहाँ पे गुरु जी हैं, देख लो भाई, उसे कहते हैं भक्त। ठीक है।
चलो पापा चलो चलें। फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं मंदिर से और अब इधर ऊपर की तरफ देखते हैं, इधर गुफा है ना, चलो यहाँ चलते हैं। नहीं नहीं बिना जूतों के जाएंगे ना वो तो। ये देखो इन्होंने यहाँ पे भी कुंडी चुंडी लगा रखी है। आ जाओ, ये हमें यहाँ के पंडित जी ने बताया कि इधर की तरफ गुफा है। कुछ ही सीढ़ी चढ़ने के बाद इधर आ जाती है गुफा। हाँ जी ठीक है ठीक है गुरुजी, पंडित जी कह रहे हैं नीचे हो तो कुंडी लगा देना। और ये है भैरव गुफा। सो अगर कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा तो ये गुफा देख लो, इस तरीके से है भैरव जी की गुफा। आ जाओ आप भी दर्शन कर लो और हाथ जोड़ो यहाँ पे। चलो अब चलते हैं नीचे और अपने शूज वगैरह पहनते हैं और नीचे चलते हैं। ऐसा है कि जितने भी माता के मंदिर होते हैं ना उनके साथ, जैसे वैष्णो देवी जी और ये सब हो गए, तो उनके साथ साथ भैरव जी का भी मंदिर होता ही होता है, या फिर उनकी उनके लिए मंदिर बनाया जाता है, या फिर उनकी कोई गुफा वगैरह होती होती है। हमेशा ही थोड़ा सा उससे ऊपर होता है। अगर आप वैष्णो देवी जाओगे आपने देखा होगा वहाँ पे भी ऐसा होता है। सो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि मंदिर है यहाँ और गुफा है वहाँ है। और ये तुषार ने लग कर दिया जैसे पंडित जी ने कहा था। चलो चलते हैं नीचे, मैं अपने शूज़ पहन लूँ। और हमने सानू को बहुत ज़्यादा मिस करा आज। बोलो मौची, वी मिस यू। सानू को भी लेके चले वहाँ भी। तो मंदिर को अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है और अब हम नीचे उतर रहे हैं। ये तुषार पता नहीं कहाँ जा रहा है, देखो अच्छा पिक लेने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं स्नैपचैट। यहाँ की ये सीढ़ियाँ ऐसी हैं, हम तीनों मतलब अगर आप लोग आ रहे हो तो ऐसी कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, मतलब आराम से आ सकते हैं। हम तो बच्चा साथ में लेके आए हैं और बाकी इसके चारों तरफ ये जंगल जंगल है। पेड़ देख रहे हो भाई साहब, वो आके खोल भाई, इतनी सारी जगह दिखा दी हमने। बड़ा के मुझे वैसे नीचे उतरते हुए वैसे चढ़ते हुए भी इतनी कोई खास थकान तो लग नहीं रही थी। इतना थोड़ा सा ही है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही है ऊपर आने के लिए। हाँ मुझे पता क्या लगा था कि कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा ऊपर चढ़ते चढ़ते, लेकिन ये तो सिर्फ दो ही मिनट लगे। चलिए भाई हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि बोले थकान नहीं लगी, फ्री को लेके चढ़ा तो मैं तो खुला खुला घूम रहा हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं लग रही। चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं? कालू सिद्ध। हम जा रहे हैं कालू सिद्ध के मंदिर और वो आपको पता चलेगा अगले व्लॉग में। देखते रहिए, देखना ज़रूर। पहले तो ये वाला देखना और ये वाला देखने के बाद फिर दूसरे वाला भी ज़रूर देखना और सारे ही देखना और सब्सक्राइब ठोक देना हैं। फिर बाबू भैया को भी देखना। तो बस ये आखिरी सीढ़ियां हैं, आ गए हम अपने गेट पे। आ जाओ भाई ब्लॉग में ना कालू जी के मंदिर भी जाना है। चलो ब्लॉग में मम्मी को बताऊंगी, देख लो विक्रांत कैसा था।
क्या पकड़ा नहीं तेरी को, ये इतने पसीने देख रहे हो, इतनी स्वेटिंग, ये मैंने ही पूरा पकड़ा हुआ है। वो तो ये है कि थोड़ा सा व्लॉग बनाने के चक्कर में नहीं पकड़ा, मैंने इसको पकड़ा दिया था। देख रहे तेरे बाबू कितना झूठ बोलते हैं, देख रहे हैं अभी हंसा रहे हैं। चलो जी आ गए हम, और हम आए थे इस वाली रोड से, वो जो मैंने आपको बताया था ना व्लॉग की स्टार्टिंग में, कि जो ऋषिकेश जा रही है उससे पहले जो कट रहा है वो ये वाला है, सिर्फ 1 किलोमीटर यहाँ से, और ये सीधा निकल रहा है नरेंद्र नगर की तरफ। जय माता दी, जय मामा अच्छा देवी। चलो तो ठीक है, कर देते हैं एंडिंग। माता जी अब तुषार मोड़ रहा है गाड़ी, सो अब चलते हैं। सो होप करता हूँ आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और यूट्यूब पे लाइट आ रही है सो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।